बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा में भी एक्शन लिया गया। अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटर को सील किया गया बिना रजिस्ट्रेशन के। ये कोचिंग सेंटर चल रहा था क्योंकि दिल्ली के बाद अब कई जगहों पर कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिरी और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे या जो मानकों को ना पूर्ण करते हुए जो कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, इन पर गाज गिरी है, इनको सील किया जा रहा है। दिल्ली हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा में भी ये एक्शन लिया गया अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई की गई जहां ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटर को सील किया गया बिना रजिस्ट्रेशन के। ये कोचिंग सेंटर चल रहा था जिसको अब सील कर दिया गया। फिलहाल अब दिल्ली हादसे के बाद यहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी सख्त नजर आ रहे हैं। एमसीडी की तरफ से कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद अब जगह जगह पर यह एक्शन लिया जा रहा है, जो अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद से जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हड़कंप की स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी घटना के बाद से तमाम जगहों के जो अधिकारी हैं अब उन कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिए, जो कि नियमों के विरुद्ध चल रहे या स्थानीय प्रशासन के बायलॉज के खिलाफ वो रनिंग में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम कोचिंग सेंटर्स पे इन दिनों कार्रवाई हो रही है, चाहे वो आकाश इंस्टीट्यूट हो या फिर जी इंस्टीट्यूट हो, अन अकेडमी इंस्टीट्यूट हो। इनके जो बेसमेंट है उसमें कोई क्लासेस चलाई जा रही थी जिसको यहाँ पे नियमों के विरुद्ध देखते हुए इनको बंद किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के अल्फा जो सेक्टर है उसमें भी इस तरीके की क्लासेस चल रही थी। इसमें कई क्लासेस ऐसी थी जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे चलाई जा रही थी, जिसको यहाँ पे सील कराया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि बिना शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रेशन के अगर कोई क्लासेस चलाई जाएगी तो वो अवैध तरीके से चलाई जा रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पे कार्रवाई की गई। अभी तक जिले में 7 यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जो कि या तो नियमों के विरुद्ध चल रहे थे या बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे। जी बिल्कुल शिव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।